ग्वालियर शहर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आगामी 15 अगस्त के मद्देनजर एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। बता दें कि आजादी के इस बड़े महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान फहराने और लोगों को देशभक्त का संदेश देने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि एसपी कार्यालय से शुरू होकर शहर भर में घूमती हुई विभिन्न मार्गों से गुजरी और लोगों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की, ताकि हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के लिए शहीद होने वालों को याद किया जा सके। वही इस मौके पर जिला पुलिस बल के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक होता है, और आज हमारे जो सभी अधिकारी हैं और जवान हैं एक रैली के रूप में प्रमुख मार्गों से निकलेंगे ग्वालियर के, और सभी नागरिकों को हमारे जो तिरंगे की आन बान शान उसका संदेश देंगे, और उनसे एक प्रकार से आह्वान भी है कि सभी जो शासन के निर्देशानुसार इसको अपने अपने घरों पर भी जो है सम्मानजनक रूप से धारण करें। और कुल मिला के उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय एकता, समृद्धता, अखंडता जिसका प्रतीक होता है राष्ट्रीय ध्वज, उसको हमें अक्षुण बना के रखना है, और इसी आह्वान के लिए सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारी हमारे मुख्य